कि आप एक डाटा एंट्री ऑपरेटर कैसे बने। आपको आपकी पढ़ाई से लेकर पूरी जानकारी दी जाएगी कि आप एक डाटा ऑपरेटर कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। आपको आपकी पढ़ाई से लेकर ऑपरेटर बनने तक का पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि एक डाटा ऑपरेटर कैसे बने। हम आपको एक एक करके पूरी जानकारी देंगे कि आप एक डाटा ऑपरेटर कैसे बन सकते हैं। आपको आपकी पढ़ाई से लेकर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए या इसमें आपको क्या क्या ज़रूरत होती है एक डाटा ऑपरेटर बनने के लिए। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। हम आपको बताएंगे कि एक डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए क्या क्या करना होता है। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि डाटा एंट्री ऑपरेटर कैसे बने। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ। तो आइए चलते हैं दोस्तों। वर्तमान समय में सरकारी अथवा निजी क्षेत्र में लगभग कार्य कंप्यूटर द्वारा संपादित किए जा रहे हैं, जिसके कारण विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं, जिनकी मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। यह सभी जॉब्स कंप्यूटर के नए युग के देन हैं, जिसमें आजकल डाटा एंट्री ऑपरेटर की सबसे अधिक मांग है और लोगों की रुचि भी अधिक है, क्योंकि यह कार्य पार्ट टाइम अथवा फुल टाइम कर सकते हैं। यदि आपकी रुचि कंप्यूटर में है और आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़िया है, तो साथ ही आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी और समझ है, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब आप बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर कैसे बने, इसके बारे में मैं आपको पूरी वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। हम आपको एक एक करके पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे कि आप एक डाटा एंट्री ऑपरेटर कैसे बन सकते हैं या इसमें आपको क्या क्या करना होगा कि आप एक अच्छे डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकें। तो दोस्तों, हम आपको अपनी वीडियो के टॉपिक में बताएंगे कि एक डाटा ऑपरेटर के क्या क्या काम होते हैं या डाटा एंट्री ऑपरेटर को क्या क्या योग्यता किस पर ज़रूरत होती है, हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। हम आपको एक एक करके सभी पॉइंट अच्छे से समझाएंगे कि आप एक डाटा एंट्री ऑपरेटर कैसे बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक डाटा ऑपरेटर के क्या क्या काम होते हैं। चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आइए चलिए दोस्तों, डाटा एंट्री क्या है, हम आपको बताने जा रहे हैं कि डाटा एंट्री क्या होती है। तो दोस्तों, डाटा एंट्री एक ऐसा कार्य है जिसमें हम कागज़ों पर लिखी जानकारी को कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में लिखकर डाटा के रूप में एकत्र करते हैं। डाटा एंट्री करने के लिए हम कंप्यूटर में कई सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। डाटा एंट्री के लिए बाज़ार में कई प्रकार के सॉफ्टवेयर आते हैं, जिनका उपयोग करके आप डाटा एंट्री कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर किसे कहते हैं? तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर क्या होता है। तो दोस्तों, डाटा एंट्री ऑपरेटर एक ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी जानकारी को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से लिखने का कार्य करता है। और यहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर सबसे ज़्यादा एक कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए उपयोग किया जाता है, जहाँ एक व्यक्ति कंप्यूटर पर किसी सॉफ्टवेयर में डाटा को लिखने का कार्य करता है, जिसके कारण हम ऐसे डाटा एंट्री ऑपरेटर कहते हैं। वर्तमान समय में डाटा एंट्री का कार्य कंप्यूटर पर सबसे अधिक किया जाता है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर वह व्यक्ति होता है जो डाटा एंट्री करने का कार्य करता है। तो दोस्तों, अब हमने आपको यह बताया कि डाटा एंट्री का कार्य क्या होता है और डाटा एंट्री के किस व्यक्ति कर सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही होगी, तो आगे की जानकारी जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। ऐसे ही जानकारी हम आपको आगे के टॉपिक में देंगे। तो दोस्तों, चलिए हम आपको लेकर चलते हैं अपने आगे की वीडियो की तरफ, और आगे बहुत सी ऐसी जानकारी देने जा
रहे हैं जो एक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि एक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या क्या योग्य चीज़ें होती हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आइए चलिए दोस्तों, इसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता, डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट, लेकिन कुछ जगह पर स्नातक भी अनिवार्य होती है। यह उस विभाग पर निर्भर करता है जिस विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर आवेदन कर रहे हैं। आयु सीमा, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एज लिमिटेड क्या है। डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम 27 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी को सरकारी नियमानुसार उम्र सीमा में छूट का प्रावधान है। डाटा एंट्री ऑपरेटर हेतु आवश्यक कौशल, भाषा का ज्ञान। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान होना अनिवार्य है, क्योंकि डाटा एंट्री करने के दौरान कई सारी चीज़ें ऑपरेटर को ट्रांसलेट भी करनी होती है। अर्थात एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन के क्रम में भाषा के स्पेलिंग की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड, डाटा एंट्री ऑपरेटर का कार्य टाइपिंग में ही शुरू होता है और इसलिए अभ्यर्थियों को टाइपिंग में निपुण होना आवश्यक है। इसके लिए किसी व्यवसायी टाइपिंग सेंटर में कुछ दिनों का कोर्स कर सकते हैं, जहां प्रोफेशनल्स के द्वारा कंप्यूटर कीबोर्ड के शॉर्टकट सिखाए जाते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए आपकी हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। यदि दोनों भाषाओं में अच्छी टाइपिंग कर लेते हैं तो आपको वरीयता भी मिल सकती है। टाइपिंग में अपनी स्पीड 35 शब्द प्रति मिनट के ऊपर होनी चाहिए। तो दोस्तों, हम आपको इस टॉपिक में बता रहे हैं कि आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी एक टाइपिंग डाटा एंट्री ऑपरेटर अच्छे से बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। हम आपको ऐसे ही जानकारी लास्ट तक बताते रहेंगे कि आप एक डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और इसे बनने के लिए आपको क्या क्या करना योग्य है। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। हम आपको ऐसे ही जानकारी पॉइंट टू पॉइंट देने जा रहे हैं कि आप एक डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए क्या क्या योग्यता प्राप्त कर सकते हैं और आपके क्या क्या कार्य होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं इस अगली जानकारी की तरफ कि आप एक डाटा एंट्री ऑपरेटर कैसे बन सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो आइए चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए कंप्यूटर का ज्ञान भी होना आवश्यक होता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए आपको कंप्यूटर ज्ञान होना आवश्यक है, जिसमें आपको टाइपिंग के साथ स्कैन करना, ईमेल भेजना इत्यादि की जानकारी होना आवश्यक है। साथ ही आपको MMS वर्ड और एक्सेल का ज्ञान भी होना जरूरी है। डाटा एंट्री कोर्स को करने के लिए, ऑपरेटर बनने के लिए आपको कोई विशेष कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु किसी सरकारी विभाग में आवेदन करने के लिए आपको ITI स्टेनोग्राफर या डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स करना आवश्यक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी यानी वेतन कितना होता है। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी कितनी होती है। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अलग अलग सेक्टरों में अलग अलग सैलरी दी जाती है। गवर्नमेंट सेक्टरों में भी इस जॉब के लिए अलग अलग सैलरी प्राइवेट की जाती है। तो दोस्तों, यह आपको बता दें कि व्यक्ति की योग्यता, अनुभव और आई
ऑनग्रेनेशन पर निर्भर करती है। सरकारी विभाग में प्रति माह लगभग 10,000 से 20,000 रुपये तथा प्राइवेट सेक्टर में अनुभवी व्यक्ति को 10,000 से 15,000 रुपये प्रति माह प्राप्त होते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको एक एक करके सभी जानकारी दे चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियो द्वारा और कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपकी इस वीडियो से ज़रूर मदद करेंगे। तो दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी को लेकर अगर कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।